मंदिर स्वर्गीय राजीव गांधी चौक को दोबारा बनाने की मांग। भिवंडी शहर के राजीव गांधी चौक से साईं बाबा मंदिर तक शहर की इस मुख्य सड़क पर उड़ान बनाया गया, जिसके कार्य शुरू होने पर कल्याण रोड पर बने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी चौक को भी तोड़ा गया, जो कि कई वर्ष पुराना था। मालूम हो कि आज से लगभग 25 वर्ष पहले भिवंडी शहर में इस राजीव गांधी चौक को बनाने को लेकर कांग्रेस के इंटक नेता सलाम शेख ने संघर्ष व आंदोलन किया, और इतना ही नहीं जेल भरो आंदोलन भी किया गया था। उस वक्त सलाम शेख कांग्रेस युद्ध के लीडर थे। उस आंदोलन में उनके साथ उस वक्त भिवंडी शहर कांग्रेस अध्यक्ष हाजी निजामुद्दीन अंसारी और भी कई बड़े नेता आंदोलन में शामिल थे, जिसके बाद कल्याण रोड पर राजीव गांधी चौक व इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में स्वर्ग इंदिरा गांधी स्मारक और वंजर पट्टी नाके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मारक बनाया गया था, जो अब उड़ान पुल के निर्माण के लिए उसे तोड़ा गया, जिसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के इंटक नेता सलाम शेख ने आज भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त व महापौर उप महापौर और कांग्रेस के गढ़ नेता हलीम अंसारी को पत्र देकर उसे दोबारा बनाने की मांग की है। सलाम शेख ने उप महापौर इमरान अली खान को नगर सेवक मलिक मोमिन, नगर सेवक अरशद अंसारी की उपस्थिति में कल्याण रोड पर राजीव गांधी चौक को दोबारा बनाने का पत्र दिया। इस बारे में सलाम शेख ने मनपा आयुक्त से खास मुलाकात कर चर्चा की, जिसके बाद अब यह नहीं लगता कि सलाम शेख को इस राजीव गांधी चौक को दोबारा बनाने को लेकर किसी तरह का आंदोलन या संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए कांग्रेस इंटक नेता सलाम शेख व उप महापौर ने क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट को। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जो चौक था, जो भिवंडी के कल्याण नाके पर हुआ करता था, जो अब नहीं है, जिसके संदर्भ में कांग्रेस के इंटक नेता सलाम शेख ने आपको ज्ञापन दिया, तो सर क्या कहेंगे उस बारे में? राजीव गांधी चौक जो है कल्याण नाके पे आज जब से बना है, तब से हम लोगों का उसके ऊपर ये चला है कि चौक जाए वहीं रहना चाहिए। ब्रिज जब काम चालू हुआ वो चौक को शिफ्टिंग करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास भी कॉरपोरेशन ने एक लेटर दिया था, अध्यक्ष जी के आदेश के बाद से वो चौक को थोड़ा टेम्पररी वहाँ से शिफ्ट किया था। अब तकरीबन पुलिस का काम कंप्लीट हो गया है। जैसे हमारे इंटक के सनम शेख साहब जो है, उन्होंने आज एक लेटर हमको भी दिया है, कमिश्नर को हमने फॉरवर्ड किया है कि जहाँ पर चौक था वहाँ चौक वापस से बन जाना चाहिए। माननीय माजी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के चौक नाम था वो, वहाँ पर चौक बनना के लिए जो भी इन्होंने लेटर दिया है वो बहुत ही जल्द वहाँ काम करने के लिए हमने भी वहाँ कमिश्नर को आदेश दिया है। सर देखा जाए तो ब्रिज का काम पूरा हो भी गया, ब्रिज चालू हो गया, उसके बाद भी अभी तक किसी ने ऐसा कदम उठाया नहीं जो अभी सलाम शेख ने उठाया। सर इतना लेट क्यों हुआ, सर इस बारे में क्या कहेंगे? कई लोग इसके पहले भी दिया, लेकिन क्योंकि अभी 6-8 महीना जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की वजह से मामला सब पेंडिंग था, और ब्रिज भी अभी ऊपर ओपनिंग नहीं हुई है। ठीक है, टेम्पररी चालू कर दिया गया है, उसकी ओपनिंग नहीं होने की वजह यह है कि जो ब्रिज में कनेक्ट कर रहे हैं वो ब्रिज का भी काम था लॉकडाउन के पहले, उसका वर्क ऑर्डर हो गया, काम शुरू करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके पूरे लेबर्स वगैरह इधर उधर हो गए, तो इसके लिए काम रुक गया। अब जब उनके लेबर आएंगे तो ये रोड चालू बनेगा, उसके बाद ही वो ब्रिज की ओपनिंग का चांस है। सर देखा जाए तो जिस तरह से नया ब्रिज जो राजीव गांधी ब्रिज में जूने ब्रिज में जोड़ा गया, तो सर इसका रिपेयरिंग के लिए जो 7 करोड़ पास हुआ था, सर क्या कहेंगे उसका रिपेयरिंग अभी तक हुआ नहीं, इस बारे में क्या कहेंगे? वही रिपेयरिंग के ताल्लुक से आपको मैं बता रहा हूँ ना कि उनका कॉन्ट्रेक्टर को बोला गया था कि उनके लेबर वगैरह अवेलेबल नहीं थे लॉकडाउन की वजह से, वो होगा इसीलिए तो अभी टेम्पररी, फिर उसको आपने देखा बैरिकेड लगाया कि हैवी गाड़ी नहीं जाएगी, तब तक के लिए वो काम रोका हुआ है। सर बैरिकेड तो ऐसा कई बार लगा और कई बार टूट गया, अभी टूटने वाला बैरिकेड नहीं लगा है, पहले के कुछ और था, अभी का कुछ और माहौल है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा पड़ा। ऐसा है कि स्वर्गीय राजीव गांधी चौक के जो अभी जो है अपन, हमने हमारे कांग्रेस के डिप्टी मेयर इमरान खान और हमारे कांग्रेस के नगर सेवक मलिक भाई और हमारे गढ़ नेता कांग्रेस के हलीम अंसारी, ये सबको मैंने दिया हूँ लेटर, और इन्होंने अभी उप महापौर साहब ने अभी अर्जन में लेटर तैयार करके अपने कमिश्नर साहब को दिया है कि राजीव गांधी चौक और पंडित जवाहरलाल नेहरू चौक जो वंजर पट्टी नाके पे है वो जल्दी से जल्दी काम शुरू हो,
और जो आजू बाजू में अतिक्रमण है वो भी हटाया जाए। और मैं समझता हूँ अभी डिप्टी मेयर साहब ने अपना जो खान साहब ने दिया है आदेश लेटर दिया है, तो मैं समझता हूँ वो जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है हमें, और हमारे कांग्रेस का डेलीगेशन, कांग्रेस प्रतिनिधि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के हिसाब से हम सबसे मिले हैं और वो जल्दी काम शुरू हो जाएगा। सर क्या कहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी चौक के बारे में, जो अब वहाँ पर नहीं है, जो हुआ करता था कल्याण नाके पर? ब्रिज का काम चालू हुआ था तो चौक हटाया गया था। आज हमारे इंटेक के जो हमारे अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने डिप्टी मेयर को लेटर दिया है, हम साथ में थे, तो काम आज खत्म हुआ है। जो चौक जहाँ था, जिस नाम से था, राजीव गांधी के नाम से था, वो चौक वहाँ पर वापस बनेगा। और हमारे डिप्टी मेयर साहब अभी लेटर बना के तुरंत उनके लेटर के बाद ताबड़तोड़ कमिश्नर साहब को लेटर भेजे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोनों चौक का काम चालू होगा और जो नाम था वही नाम रहेगा। तो सर ऐसा क्यों हुआ कि बहुमत से कांग्रेस यहाँ पे बहुमत से होने के बाद भी वहाँ पे कोई किसी ने लेटर अब तक नहीं दिया, कोई कदम नहीं उठाया जो अभी सलाम शेख ने उठाया है? साहब बहुत अच्छा है, इन्होंने आज कदम उठाया, लेकिन बहुत सारे लेटर आए हैं, लेकिन आज कोरोना महामारी का जो मामला चल रहा है 6 महीने से, तो इसमें सारे काम रुके हुए थे, और इंशाल्लाह यही काम से शुरुआत।